नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूं बेनजीर हाशमी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन के साथ फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की तीसरी बार झारखंड की कमान संभालेंगे हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिले इंडिया के नेता हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का मिला न्यौता केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से नाबालिग बच्चे की हुई मौत तालाब में नहाते वक्त बच्चे के नाक के जरिए घुसा था तीन महीने में मौत का ये तीसरा केस काजीरंगा नेशनल पार्क में सत्रह जानवर डूबे तो वहीं बिहार में छह और पुल गिरे ये पंद्रह दिनों में ग्यारहवीं घटना सामने आई इसके अलावा बारह राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी छियानवे साल के भाजपा नेता अडवाणी की फिर बिगड़ी तबीयत अपोलो हॉस्पिटल में किया गया भर्ती फिलहाल हालत स्थिर सात दिन पहले एम्स में सर्जरी के बाद हुए थे डिस्चार्ज सांसदों की शपथ के नियमों में हुआ बदलाव अब लोकसभा सांसद शपथ के बाद नारे नहीं लगा सकेंगे ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे के बाद हुआ था विवाद नीट पेपर लीक मामले में सात आरोपियों की रिमांड आज हुई खत्म पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी वही एजेंसी ने झारखंड से की सातवीं गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की मथुरा में बारिश में एम्बुलेंस और स्कूल बस आधी डूबी बुल्डोजर से खींच कर निकाला गया तो वहीं कानपुर में भारी बारिश से सड़कों पर भरा एक फीट तक पानी एक बार फिर जयराम रमेश ने कसा पीएम मोदी पर तंज बोले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए इसके बाद स्पेस इस जाए बता दें इसरो चीफ ने कहा था मोदी गगनयान से अंतरिक्ष जा सकते हैं आंसू ने चांदी के दाम में तेजी रही गोल्ड 209 सौ बढ़कर बहत्तर रुपए पर पहुंचा, तो वही एक किलो चांदी नवासी हजार रुपए पर आई बात करें शेयर बाजार की तो लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर रहा बाजार वहीं सेंसेक्स ने अस्सी और निफ्टी ने 24,401 का लेवल छुआ आईटी और बैंकिंग शेयर में रही तेजी तो ये थी दिन भर की कुछ अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से ही अफसरों को चेतावनी दे डाली दरअसल उन्होंने कहा कि भाजपा के वर्करों को परेशान किया गया तो अधिकारी को मैं परेशानी में डाल दूंगा साथ ही सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के संदेश भी दिए आपको बता दें कि सीएम सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा हरियाणा के सीएम ने सी के मल्टीपर्पस हॉल में तेरा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया सीएम ने वर्करों के समक्ष ही मंच से अफसरों को चेतावनी भी दी कि हमारे नेता कहते हैं कि ये भाजपा की चक्की है जो पीसती तो बारीक है परंतु धीरे धीरे पीसती है मैं अफसरों को बता दूं कि मेरे वाली चक्की पीसेगी भी जल्दी और बारीकी से पीसेगी साथ ही कहा कि हमारा कार्यकर्ता गलत काम नहीं करता लोगों के काम करवाने के लिए ही आता है यदि किसी ने चक्कर काटे तो मैं आपको चक्कर में डाल दूंगा साथ ही सीएम ने कहा मेरा एजेंडा स्पष्ट है यदि किसी कार्यकर्ता ने चंडीगढ़ आकर मुझे बता दिया कि अधिकारी ने हमें परेशान किया है तो उस अधिकारी को मैं परेशानी में डाल दूंगा हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम करें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विद बिछनी शुरू हो गई है दरअसल कुछ ही महीनों बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है इस सूची में इनैलो ने चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है अहलाहाबाद के मौजूदा विधायक एवं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला इस बार फिर एलहाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे तीन कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक थे जो बाद में हुए उपचुनाव में विजयी हुए थे एहलाहाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा व कांग्रेस दोनों की निगाह टिकी हुई है भाजपा के टिकट पर कप्तान मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा दोनों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा जसपा गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मीनू बेनीवाल ने पिछले कुछ दिनों विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है जबकि अभय के विरोध उपचुनाव में गोविंद कांडा भाजपा व जजपा गठबंधन के साझा उम्मीदवार थे वही गोविंद सिरसा के हलोपा विधायक एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के भाई भी हैं बताते चले कि कांग्रेस ने अभी इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सीट को अपनी पसंद के उम्मीदवार को उतारने के लिए निगाहें टिकी हुई हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने इलाहाबाद के अलावा यमुनानगर रादौर बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ विधानसभा सीटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं शंभू बॉर्डर पर किसान करीब साढ़े महीने से धरना दे रहे हैं दरअसल आपको बता दें कि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं वहीं अम्बाला के व्यापारियों ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए संकेतित धरना दिया और व्यापारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम 40 पेज का ज्ञापन सौंपा बताते चले कि हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से किसान तो हरियाणा सीमा पर पुलिस और फोर्स डटी हुई है ऐसे में इस रूट पर आना जाना पूरी तरह से बंद है इसी रोक के चलते अंबाला शहर में कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है दरअसल एशिया के सबसे बड़ी होम सेल कपड़ा मार्केट पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है वहीं पंजाब से शहर आने वाले ग्राहक अब पटियाला चंडीगढ़ और लुधियाना की ओर रुक करने लगे हैं कारोबार ठप होता देख इस बॉर्डर को खुलवाने के लिए बुधवार को तीन घंटे कपड़ा मार्केट बंद रही इस दौरान व्यापारियों की ओर से कपड़ा मार्केट में टेंट लगाकर सांकेतिक धरना दिया गया अब हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेगी संयुक्त संघर्ष पार्टी किसान नेता गुरुनाम चडूनी बोले राजनीति को करेंगे साफ दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्व नेता व संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चडूनी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी हरियाणा में होने वाले चुनावों में सभी पार्टियों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां कर ली हैं उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है चडूनी ने कहा कि वह गुरु के समक्ष अरदास करके उनकी पार्टी की ओर से चुनावी गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव और पंजाब के विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर लड़े थे इस बार और भी शक्तिशाली ढंग से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि आज राजनीति को व्यापार बना दिया गया है और नेता चुनावों में पैसा लगाते हैं और जीतने के बाद पांच वर्षो में चुनावी इन्वेस्टमेंट का दस गुणा कमाते हैं उन्होंने कहा की आम लोगों को देश का कोई भी भला नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बताते चले कि किसानों द्वारा बनाई गई संयुक्त संघर्ष पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है हरियाणा के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का इलाज वीरवार से एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा दरअसल स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और इंजन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता में मांगों पर सहमति बन गई है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लिखित आश्वासन दिया है कि 15 जुलाई तक लंबित 133 करोड़ रुपए अस्पतालों को जारी कर दिए जाएंगे दरअसल ये भी बताते चलें कि बैठक के बाद आईएमए हरियाणा के राज्य प्रधान अजय महाजन ने ऐलान किया कि वह संतुष्ट है और अब निजी अस्पताल इस योजना के तहत मरीजों का इलाज करना भी शुरू कर देंगे वहीं 30 जून को आई एम में हरियाणा ने एक जुलाई से इस योजना के तहत मरीजों को इलाज देने से बंद करने का ऐलान किया था बुधवार को हरियाणा सचिवालय में एक घंटा चली बैठक में निजी अस्पताल संचालकों ने बताया कि क्रेम की राशि मिलने में एक साल से छह महीने तक का समय लगता है तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना नमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेलाइकन